ओशमागारी रात्री हो। जे हमने जो इतनी मेहनत की है ना, उस पर आपने पानी फेर दिया। कहानी जहां से खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पूरन। स्वागत है आप सभी का धनौट गांव पार्ट टू में। पिछली वीडियो में जहां तक हम धनौट गांव की कहानी पर आपको छोड़ के गए थे, आज की कहानी शुरू होती है वहां से। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर जाके चेक करें। फिलहाल हम बढ़ाते हैं कहानी को आगे। पिछले एक हफ्ते से हम इस इलाके में घूम रहे हैं और यहाँ की परंपरा और संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने पहाड़ में ही हैं। कहने को तो उत्तराखंड और हिमाचल दोनों पर्वतीय राज्य हैं, लेकिन काफ़ी सारी विभिन्नताएं हैं, जैसे बोली, भाषा और यहाँ के रहन सहन में, लेकिन काफ़ी सारी समानताएँ भी इन दोनों राज्यों में हैं। धनौट गांव जिला मुख्यालय मंडी से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विकास खंड सिराज में पड़ता है और मेन रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पैदल दूरी तय करके यहां तक पहुंचा जा सकता है। जब सर्द ऋतु में गांव पूरे बर्फ की चादर, सफ़ेद चादर में ढक जाता है, तो गांव के लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए तंदूर के चारों ओर बैठते हैं। मेरे साथ हैं जीवन भारद्वाज जी, जो कास्ट कला में माहिर हैं। इन्होंने अपने गांव के आसपास ही नहीं, पूरे हिमाचल के अलावा भी उत्तराखंड में ये मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। सर, आप भगवान के लिए जो घर बनाते हैं, निवास स्थान बनाते हैं, जी, आपको कितना प्राउड फील होता है उसके लिए? प्राउड तो चलो दिहाड़िया कमाते हैं, चलो उसमें तो हमारे को है नहीं कम ज़्यादा कितना भी हो, लेकिन हमारी सोच ऐसे है कि हम ऐतिहासिक काम करें, हमारे आगे किसी के पुरखों तक पता लगे भाई वो लोग थे यहाँ काम करने, यही हम। इतनी अच्छी कलाकृतियाँ आपने देखी होंगी मंदिरों की जो हमने आपको दिखाई, जिसमें ये भगवानों की जो कलाकृतियाँ उसमें उकेरते हैं, और भी कई जो फूल हैं या फिर कई जानवरों की कलाकृतियाँ उसमें उकेरते हैं, तो कितना टाइम लगता है पूरी उसको? टाइम तो वैसे एक मंदिर तैयार करना हो तो 5 साल की मिशन होता है इसका, जैसे ये 3 मंजिल का बनाना हो उसके लिए 5 साल लगते हैं। अच्छा, आप अभी उत्तराखंड में मंदिर बना रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आपको वहाँ के लोग ट्रीट करते हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छे करते जी, वहाँ के लोग अच्छे हैं, भोले भाले, बिल्कुल हमारे से बहुत लगाव है उनको, हमारे से तो क्या लगाव होना, हमारी कला से लगाव है, फिर हमारे से भी लगाव है उनको। हाँ जी, तो जब हम इस गाँव में आए थे, गाँव में रहने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो जब हम इस गाँव में आए थे तो हम इनके घर में रुके हुए थे, तो इन्होंने जो स्वागत हमारा किया तो उसको हम शायद ही जीवन में भूल पाएंगे। हिमालय में जब बर्फ़ पड़ती है तो केवल हिमालय को ही नहीं सिंचित करती, बल्कि इसका असर सीधे मैदानी इलाकों पर भी पड़ता है। बिजली का उत्पादन अच्छा होता है, नदियों में पानी अच्छा होता है, और वो फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन इलाकों को सिंचित करता है। मुश्किलें यहाँ के लोगों की होती हैं, लेकिन फ़ायदा पूरे मैदानी लोगों को होता है। जिस पहाड़ी पर धनौट गांव बसा हुआ है, अभी हम आपको उस पहाड़ी के टॉप पर ले जाने वाले हैं। पूरी पहाड़ी बर्फ़ से ढकी हुई है और बर्फ़ पर चलना तो वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन ये जो खड़ी चढ़ाई है ये इस ट्रैक को और भी मुश्किल बना रही है।
लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद जब हम आपको इस पहाड़ी के टॉप पर ले जाएंगे और वहाँ से जो खूबसूरत नज़ारे आपको दिखेंगे, जो आपकी आँखों को रिट्रीट और सुखद अनुभव देंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। नए रास्ते में चलना बढ़िया होता है, जो पुराना दिक्कत होता है। ताजी बर्फ है ना ये? इसमें बढ़िया चलने में दिक्कत नहीं है। हाँ, गिर नहीं सकता आदमी? गिर नहीं सकता, ये नीचे से आया, मैं यहाँ लगे हुए रास्ते गिर नहीं सकते, गिर के। हाँ, लेकिन चोट नहीं लगेगी ना? चोट लगेगी जब यहाँ से लुढ़कते हुए नीचे जाओगे। जब हम किसी पहाड़ी की चोटी पे पहुँचते हैं, यानी कि धार पे पहुँचते हैं, तो वहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं वो अद्भुत दिखते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो जंगल है, वो देवदार, कैल, रई और तूस के जंगल हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है जंगल, और उसके बीच में सफ़ेद स्नो, और ये है यहाँ से नज़ारा। अभी पुरंदा धार पर आकर ये गिर गया था। अभी पुरंदा ड्रोन चला रहे हैं, तो ड्रोन से हम सीधे जो धनोट है, उसके आगे जो जेहरा गांव है, तो उसके आसपास के जो तमाम गांव हैं, उन सब की एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं। और सामने जो जंगल है, तो कुल मिलाकर जो ब्यूटी है ना, वो हर तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो स्टिल DSLR है, ये जो GoPro जिससे हम शूट कर रहे हैं, और जिससे ड्रोन शॉट, तीनों से जगह तो बहुत अच्छी है आपकी, बहुत प्यारी जगह। ये है सामने धनोट गांव, और वो नीचे वाला है जेहरा गांव, उसके आगे भी एक गांव है। जीवन जी, उसका नाम क्या है जो आगे वाला गांव है? डिमसेहेड। और फिर वो टावर है, और जो टॉप दिख रहा है वो ग्याल सा। जितनी मेहनत के साथ हम पहाड़ों की चोटियों में पहुंचते हैं, उतना ही सुखद अनुभव उस चोटी में पहुंचने के बाद होता है। ये बर्फीले पहाड़ जितने सुंदर दिखते हैं ना, उतनी ही मुश्किलें इन पहाड़ों में चलने में होती है। ये देखिए, जरा सा अगर पैर फिसलाना। हाँ, ये देखिए कितनी, लेकिन आनंद रिस्क जो है ना, जितना रिस्क होता है उतना ही वो यात्रा, वो टूर, एडवेंचर इसी को कहते हैं, जो रास्ता खुद बनाना पड़े। अब ये है पुराना मंदिर। यहाँ कोई रास्ता नहीं है, बस हमारे ही पदचिन्ह। अगर ये एपिसोड आपने पूरा नहीं देखा और जरा भी स्किप किया, तो समझ लीजिए हमने जो इतनी मेहनत की है ना, उस पर आपने पानी फेर दिया। ध्यान रहे, पूरा देखना है। जब आप डाउन में जाते हैं तो आपको एड़ी के बल चलना होता है, जब आप चढ़ाई में चढ़ते हैं तो आपको पंजे के बल चलना होता है, और अब जब तिरछे में चलते हैं, जैसे अभी मैं तिरछे में चल रहा हूँ, तो आपको साइड में वेट रख के ऐसे चलना होता है। और अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो आप मेरी तरह गिर पड़ोगे। अब हम धनोट गांव से करीब आधा किलोमीटर ऊपर यहाँ का बहुत भव्य मंदिर है, उसके दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो घटी सुने पगले झुरिए हुआ जीवना, भारा झुरिए हुआ जीवना, भारा
झुरिए हुआ जीवना, हो झुरिए हुआ जीवना, हो झुरिए हुआ जीवना, हो झुरिए हुआ जीवना भरा झुरिए हुआ जी। ऊंची चोटी पे मंदिर रहते हैं देवी देवताओं के, और उनको सबसे जो खूबसूरत और अच्छे स्थान होते हैं दर्शनीय, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। घिवेरा बोला गे दीपक जली जली शुका, ओ तेरी मुआ गे आती जुरिए सोची सोचिए शुका झुरिए, सोची सोचिए शुका झुरिए, सोची सोचिए ओ झुरिए, सोची सोचिए ओ झुरिए, सोची सोचिए हाँ ओ झुरिए, सोची सोचिए गे मुका ओ झुरिए, सोची सोचिए। थैंक यू। गाँव में वैसे जो पुराने जो मंदिर होते हैं ना, जो हमारे पहाड़ों के मंदिर होते हैं, वो सचमुच में जो जो सिविलाइजेशन होता है, जो गांव होते हैं, उससे दूर होते हैं। हाँ, दूर होते हैं। और देखिए ना कितना पुराना मंदिर है, और मंदिरों के पास में बड़े बड़े जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ ऐतिहासिक पता नहीं कब के होते हैं। देखिए अब कितना पुराना मंदिर है, और ये क्या है जो गांव के बगल नहीं मंदिर के ठीक सामने है? ये सराएं होती है, जैसे बाजे लोग होते हैं भजंतरी, उनके लिए बनाई। तो यहाँ पे मतलब कोई भोजनालय या जो भंडार गृह ऐसा नहीं होता क्या मंदिर? नहीं, वो उसके लिए अलग से बनाते हैं, कोई जैसे बाजे वाले होते हैं वो यहाँ। और ऐसा कुछ जब यहाँ कोई पूजा पाठ होती है तो उस समय भंडारा वगैरह भी होता है क्या? होता भंडारा। नीचे हमारे खूड़ है, ये हमारा पुराना घर है, तो इसके ऊपर एक कमरा और है, एक टाड़ा है, तंदूर लगाया, यहाँ हम रहते हैं। ये हमारा ऐसे ऐसे घर है, ये हमारा बरंडा है आगे, यहाँ हम धूप सेकते हैं, जब बर्फ आई तो ऐसे भी सेकते हैं धूप। यहाँ कास्ट निर्माण या फिर शिल्प देव शिल्पी इनको भी कहते हैं, तो मंदिरों का काम करते हैं। और खुशी की बात यह है कि अच्छा इसलिए लग रहा है कि तीनों भाई जो हैं वो अभी भी संयुक्त परिवार रहते हैं, करीब 14 मेंबर हैं इस परिवार में, और अभी हमारे लिए दिन का खाना भी तैयार हो रहा है। ये कहाँ होता है जंगल में? ये देखिए इसमें। इसको बोते हैं या अपने आप हो जाता है? ये अपने आप हो जाता है। इसको पानी में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा फिर? ये नरम हो जाएगा। ठीक है, फिर पकाते हैं इसको ना, गर्म पानी में रखते हैं इसको थोड़ी देर। यूँ तो मैं हिमाचल पहले भी घूमा हूँ एज ए टूरिस्ट, लेकिन इस बार मैंने कुछ डिफरेंट करने की सोची, तो इस बार मैं एज ए ट्रैवलर यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों, यहाँ के रीति रिवाज को जानते हुए घूम रहा हूँ। इस गांव की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी पूरन सिंह को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और गाँव की कहानी में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। गाना सुना आपने इनका? संजू का? हाँ। नहीं सुना अभी।
सीधा अब सीधे